सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यासतः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। इसकी संक्रांति टीका चलेगी। बालाः वेदांत शास्त्रार्थ रहस्य अवेदिनः केचिद् विद्वांसः। बालाः, बाल किसको कहते हैं? जो वेदांत शास्त्र के अर्थ के रहस्य को नहीं जानते, अवेदिनः। ऐसे कुछ विद्वान अपने आप विद्वान मानते हैं लेकिन वेदांत तात्पर्यार्थ नहीं जानते। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ उपनिषद में है ना, उन सुनिश्चित अर्थ वाले नहीं हैं वो। ऐसे जो विद्वान हैं वे कहते हैं सांख्य योगो सांख्यम सर्वेदांत ही सम्यक तत्परत्वेन ख्यायत प्रतिपादित। सांख्यम मने परम ब्रह्म। सांख्य का अर्थ क्या है? साक्षात पर ब्रह्म ही है। क्यों? सर्व वेदांत ही सम्यक रूपेण तत्परत्वेन ख्यायते मने प्रतिपाद्यते इति सांख्यम मने परम ब्रह्मो। तत्प्राप्ते परम कारणत्वात् सांख्यम ज्ञान निष्ठा। इसे तार्श ब्रह्म की स्वरूप प्राप्ति के लिए परम कारण परम श्रेष्ठ साधन यदि है वह ज्ञान निष्ठा, उसको भी सांख्य नाम से कहते हैं। साध्य साधन दोनों को अभेद करता हुआ ज्ञान का भी नाम सांख्य होया। उसका अंगभूत है संन्यास योग कर्म योग। ताश ज्ञान का ही अंग है संन्यास और कर्म योग दोनों ही। सांख्य योग क्रिया अधिकारिता आश्रमेण च पृथक यथा भिन्नौ तथा फलेनापि भिन्नौ इति साधनतः। पूर्व पक्षी जो कुछ अविद्वान है जो वास्तव में उनका क्या मानना है? सांख्य योग का क्रियया क्रिया के आधार भी भिन्न है। सांख्य में क्या है? मन मन ही क्रिया होगा, मानस है, चिंतन मनन श्रवण बाई कोई खास क्रिया नहीं है। और कर्मयोग में वैदिक कर्मकांड करना है, स्मार्थ कर्मकांड करना है, सामग्री बटोरो, बड़ा विधि विधान है, बाह्य क्रिया है। से अंतक क्रिया है ज्ञान योग में, बाह्य क्रिया है कर्मयोग, क्रिया में भेद है एक। और दूसरा अधिकारित हो, दोनों के अधिकारी भी अलग अलग है। दोनों के चित्त शुद्ध जिसका है वो ज्ञानाधिकारी है, चित्त शुद्ध करना जो चाहता है वो कर्माधिकारी है। तीसरा आश्रमेण च, संन्यास आश्रम अलग आश्रम, सर्वकर्माधिकार समाप्त हो जाता है। और कर्मयोग के लिए वही है जो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, ये कर्माधिकारी है। इसलिए आश्रम भेद के अनुसार भी जो है सांख्य मार्ग और ज्ञान कर्म मार्ग दोनों भिन्न भिन्न मार्ग हैं। यथा भिन्नौ, जिसलिए इन तीनों हेतुओं से क्रिया अधिकारिता आश्रमेण च पृथक है। यथा भिन्नौ तथा फलेनापि भिन्नौ, इसे फल से भी अवश्य भिन्न होगा। यदि साधनतः फलतश्च भेदं वदन्ति, साधनतः और फलतः दोनों में भेद कथन करते हैं। इतना ही नहीं, कर्मणा पितृलोक स्वर्गम वा एते लोकम यन्ति इत्यादि वाक्य ही। कर्म से पितृलोक की प्राप्ति होगी और अधिक से अधिक जो लोग हैं कर्म करने वाले स्वर्ग लोकों को प्राप्त करेंगे, इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट है कि कर्म से लोक प्राप्ति रूपा फल है। और संन्यास का संन्यास योगा यत शुद्ध सत्वा निष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। संन्यास योग से क्या होता है? शुद्ध अंतकरण वाले अपने संन्यास के मार्ग से चलते हुए अत्यंत जो परमोत्कृष्ट निष्कर्मी है ब्रह्म भाव है उसको प्राप्त करते हैं। लोक प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति दोनों फल में भेद स्पष्ट दिख रहा है। इत्यादि वाक्यश्च संन्यास कर्मयोग साधन भेदम फल भेदं च प्रतिपादयन्ति। साधन भेद और फल भेद का प्रतिपादन करते हैं। स्मृति प्रामाण्यात् तयोः फलपार्थक्यम युक्तम एव। श्रुति स्मृति आदि के प्रमाण से सुस्पष्ट है इन दोनों के बीच में फल भेद तो अवश्यमान नहीं चाहिए।
इत्यतः न इति नहीं है न पंडिताः बालाः वदन्ति किंतु पंडिता न वदन्ति पंडिता इनको कहेंगे आप पंडित वेदांत शास्त्र पारगाह वेदांत शास्त्र के आर पार जानने वाले लोग हैं पूर्णतया तात्पर्य को रहस्य को समझने वाले विज्ञान को अनुभव को करने वाले ऐसे जो हैं उनको पंडित कहा जाएगा वेदांत शास्त्र पारगाह तद रहस्य वेद ने इत्यर्थ मनुष्य रहस्य को जानने वाले वास्तविक जो ब्रह्म विद तयो फलम एकमेव इति वदन्ति इन दोनों का फल एक ही है बोलते भले अधिकारी भेद है साधन भेद है सब है लेकिन फल भेद जो पूर्व पक्षी कह रहे हैं उसको खंडन करते हैं आश्रम भेद अधिकारी भेद साधन भेद होने पर भी लक्ष्य एक ही है फल एक ही है ये विद्वान का कहना है ब्रह्मवेत्ता का कहना तत्कथम इति चेत उच्चते ये कैसे कहा दिया इन्होंने विद्वानों ने ब्रह्मज्ञानियों ने इति चेत उच्चते तत्त्वमस्यादि वाग्यानी पुंश्चित्त शुद्ध भावे ब्रह्म तत्त्वं बोधितुं न शक्नुवन्ति तत्व मस्यादि वाक्य जो है जिस पुरुष के चित्त अविशुद्ध नहीं है उसको ब्रह्मानुभूति करा नहीं सकते जिसकी चित्त शुद्धि नहीं है हिमालय दशम स्तमसी में भी जो कारुणिक पुरुष आया और कहा दशम न मारा और जो 200 मिल करके उसके पीठ लग जाए तो कैसे बोल रहा है दशम नहीं मारा दशम मर चुका है उल्टा पिटाई करने लग जाए तो भाग जाएगा समझाया क्या तू दसवा है दसवा तुमसी बोल पाएगा वो तो अपने जान बचा के भाग जाएगा वैसे ऐसे चेलों से भी गुरुओं को जान बचा के निकलना पड़ता है घेर लेते हैं चेले लोग गुरुओं को ये सब संपत्ति के लालच में पड़े हुए हैं किसको ज्ञान चाहिए तीसरे इनका कहना है कि देखो तत्व से आदि वाक्य भी क्या कर लेंगे जिसके अंतरण शुद्ध नहीं है उनका ब्रह्मानुभव ये वाक्य नहीं करा सकते आपको तैयार होना पड़ेगा ना जैसे वह दसवां तपसी में भी वो लोग तैयार हुए उन्होंने कहा कि भाई दसवां मरा नहीं है उल्टा नाराज नहीं हुए कौन आगे कहाँ से बोल रहे हो आप उन्होंने विश्वास किया हाँ भाई आप जो बोल रहे हैं तो हो सकता है दसवां नहीं मरा होगा कहीं ना कहीं होगा फिर जिज्ञासा हो जिसर के आप बताइए कहाँ है वो दिखाइए हमको तब युक्ति से गिनवाएगा और कहेगा तो ही दसवां है दसवां स्तंभ से उपदेश देगा तब उसको भी अनुभव होगा हम ही दसवां हूँ इसी तरह से यहाँ पर भी गुरु का काम तो तत्व से वाक्य से बोध करा नहीं है ना जैसे दसवत्व से बोध करा रहे हैं अगला सुनने को तैयार है समझने को तैयार है श्रद्धा है विश्वास है सब है तभी तो काम बनेगा वैसे यहाँ पर भी ये सब तब होगा जब चित्त शुद्धि हो चित्त शुद्धि नहीं है तो वो भी नहीं होगा से तत्व से आदि वाक्य भी भले महावाक्य है ये भी कुछ नहीं कर सकते उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति का चित्त शुद्ध नहीं है वे ब्रह्म तत्व को बोध नहीं करा सकते चित्त शुद्धिश्च और चित्त शुद्धि कैसे होएगी कर्म उपासनाभ्यम बिना न सिद्धति कर्म और उपासना इनके बिना कभी चित्त शुद्ध नहीं होने वाला है कर्म उपासने प्रवृत्तिश्च कर्मेश्वर महत्व स्तुति बिना न सिद्धति और कर्म उपासना में आपकी प्रवृत्ति तभी सिद्ध होगी जब कर्म और ईश्वर के महत्व का वर्णन करता हुआ स्तुति किया जाए उसके बिना आपकी प्रवृत्ति होगी ही नहीं न सिद्धति अतः श्रुतिर एव अर्थवाद वाक्य ही श्रुति में भी अर्थवाद वाक्यों के द्वारा पश्यति पुत्रम पश्यति पौत्रम इत्यादि भी एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ इत्यादि वाक्यश्च कर्म ईश्वर महत्व प्रतिपाद्य माने फलानुशक्तिया कर्माणि कर्मणि उपास्तुच प्रवृत्तस्य ताभ्याम शुद्धात्मनः एव उपदिष्टं तत्वज्ञानं फलति
श्रुति के अर्थवाद वाक्यों के द्वारा कर्म की प्रशंसा की गई है। जो नित्य नियमित रूपेण अपने वर्ण आश्रम अनुसरण कर्म करेगा, पश्यति पुत्रम पश्यति पौत्रम, देखो संतान संतान प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं होगी, पोता भी मिलेगा, वंश चलेगा, लोग परेशान नहीं सीखे रहते हैं। बाइबल में भी लिखा है पुत्र के बिना हेवन नहीं है, स्वर्ग नहीं मिलेगा, और गर्भपात करना महापाप, इसमें लिखा है, वो भी सब यहीं से लिए हुए हैं, लिख रहे हैं। जब वहाँ भी जो कट्टर ईसाई होते हैं, अभी कुछ समय पहले किधर वहाँ आई थी वो विदेशी एक औरत, क्रिश्चियन थी, रही आश्रम में कुछ समय, एक महीने से ऊपर ही रही, पहले बताई नहीं कुछ भी, बाद में एक फोटो दिखाई, वह 13वीं थी, 13 भाई बहन, सबसे अंतिम वो थी। और क्यों ऐसे आपके वहाँ, कहते हैं हमारे यहाँ तो वही गर्भपात नहीं कर सकते, हमारे पिताजी बड़े कट्टर थे, इसे 13 बच्चे, बीच में 2-3 गए भी, 16 पैदा किया उसकी माँ ने, और यह देख के पीछे रोते रहते हैं दूसरे कैसे हो। यानी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, इतने कमजोर पड़ गए हैं, बटन दबा 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 करके जिंदगी खराब कर ली है सब औरतें, हर चीज बटन से चलती ना आजकल, कपड़ा धोना है बटन दबा दो, प्रर करेगा मशीन अपना, धो दिया कपड़ा, आटा गूंदना है बटन दबा दो, उसके मशीन आ गया आटा गूंद जाएगा, ताकत कहाँ से रहेगी शरीर में। तो इसलिए इनका कहना है कि देखो कि ये जो चीजें हैं आपको, इसलिए कर्म की प्रशंसा की गई है, तुम्हें पुत्र मिलेगा, पौत्र मिलेगा, वंश उद्धार होगा, धन दौलत पर मिलेंगे, कर्म करो, ये प्रशंसा इसलिए आपको कर्म की प्रवृत्ति करा कि वो चीज फल दिलाने में नहीं है, आपके अंतरण शुद्धि के लिए आप प्रवृत्त हो गए, इसलिए फल का लालच। बार बार दृष्टांत दिया जाता है, जैसे माँ जो है बच्चों को लड्डू दिखाती है, क्यों दिखाती है, वे दवाई खाए, नहीं तो कड़वी दवाई पिएगा नहीं, वो कड़वा दवाई पिलाना है तो लड्डू दिखाना पड़ता है प्रवृत्त कराने के लिए, जब कर्म में मेहनत है, विधि विधान समझ के करना पड़ता है, कौन करना चाहेगा, इसे फल बता दिया, तुम पुत्र चाहते हो पौत्र चाहते हो तो कर्म करो, वो कर्म के अनुसार से उसका मुख्य फल वो नहीं है, मुख्य फल अंतरण शुद्धि पूर्वक आपको ज्ञान में ले जाना है। एवं उपासना इसे ईश्वर के बारे में, येष सर्वेश्वर येष सर्वज्ञ, ईश्वर ऐसा तैसा नहीं है, वो सर्वज्ञ, वो साधारण नहीं, इसे ईश्वर की उपासना करोगे, तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते सब वो जानता है, वो हमको सम्यक फल देगा, समर्थ है वो। इस प्रकार से ईश्वर की प्रशंसा की गई ताकि आपको उपासना प्रवृत्त करा सके, इत्यादि वाक्यश्च कर्म ईश्वरी और महत्व प्रतिपाद्य माने, महत्व का प्रतिपादन किए जाने पर फलानुशक्तिया कर्मणि उपास्तोच प्रवृत्तस्य, एक कर्म में और उपासना प्रवृत्त हो जाए ताभ्याम शुद्धात्मन एव उपदिष्टम तत्व ज्ञान भवति, उन दोनों के द्वारा जो शुद्ध अंतकरण वाला होगा उसके लिए ही जब गुरु इन तत्व ज्ञान का उपदेश देता है वह फलीभूत हो जाएगा। अतो ज्ञान सिद्ध है कारणम चित्त शुद्धि, इसे ज्ञान सिद्धि का कारण कौन है, चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि का कारण कौन है, तत्कारणम कर्मैव इत्यतः, इसलिए कर्मणो मोक्ष एव फलम, कर्म का भी इसलिए मोक्ष ही फल सिद्ध हुआ। ज्ञान साधनत्वात् संन्यासस्यापि, और ज्ञान का साधन होने से संन्यास भी क्या है, मोक्ष का साधन है। विद्यांच विद्यांच यस्तद्वेदो भगिंसः अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विजया अमृतमष्टोत्तये, ईशवास प्रश्न स्पष्ट कर दिया, कर्म और उपासना दोनों को एक फल देने वाला मान के चलो, तब क्या होगा, कर्म के द्वारा पहले आप जो मृत्यु, मृत्यु का तात्पर्य सामान्य ज्ञान को तर जाओगे, तर करके विद्या माने उपासना के द्वारा वास्तविक अंतर शुद्धि पर फल द्वारा
मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। यदि श्रवणाद अविद्या मृत्युम ज्ञान प्रतिबंधक, मृत्यु का तत्पर क्या लेंगे इसलिए ज्ञान का प्रतिबंधक, उसको अतीत्यो अतिक्रमण करके ज्ञान न विद्या मने ज्ञान न अमृत मोक्ष मष्टुते, अमृत मने मोक्ष भी प्राप्त करता है। यदि ज्ञान कर्मयोग और ज्ञान संन्यासियोश्च, अर्थात कर्मयोग और ज्ञान और कर्मयोग एवं ज्ञान और संन्यास, इन दोनों को ही साध्य साधन भाव अवगमात, साध्य साधन भाव का निश्चय कर देने से ज्ञान फलम तत्फलम एव, इसे ज्ञान का फल कर्म का फल है ये सिद्ध हो जाता है। इसे सांख्य योगी और एकमेव फलम मोक्ष इति पंडिताः मन्यन्ते, इसे सांख्य और योग इन दोनों का एक ही फल है और वह है मोक्ष, ऐसे पंडित लोगों का मानना है। तस्मात् कारकादेरेव भेदो, इसलिए कारक कारण साधन सामग्री आश्रम भेद अधिकारी भेद ये सब भले भेद होगा, इसका नाम कारक भेद। अधिकारी मैंने कर्ता, करण साधन यानी अधिकरण, ये सब जन ब्रह्मार्पण ब्रह्म में आया था पंच कारक, इनमें भले परस्पर भेद हो, कारक भेद भले ही है लेकिन लक्ष्य फल एक ही है। कारकादरेव भेदो न तो तयो फल हो भेद फल तो भेद, उन दोनों में कहीं फलता भेद है ही नहीं। इति सिद्धम, यतः जिसलिए बात सिद्ध है, ततः सांघ योगी और एकम अपि इत्यादि जो मूल में कहा उचित ही है। अपिशब्दो वार्थ, अपिशब्द एकम अपि, अपिशब्द वार्थ में है, उभयोर मध्य सांख्यम व कर्मयोगम व, ऐसा अर्थ होगा उन दोनों में से, चाहे सांख्य योग मार्ग से चलो चाहे कर्मयोग मार्ग से चलो, सम अनुतिष्ठन सम्यक प्रकार से यदि अनुष्ठान करोगे मोक्ष हो, उभयोर भी फलम मोक्ष देते, उन दोनों ही मार्ग में से किसी मार्ग से चलते हुए भी वह मोक्ष हो मोक्ष भी फल को ही प्राप्त करता है, प्राप्त होती थी। सांख्य कर्मयोग और मोक्षम प्रति अंतरंग बहिरंग भाव है, इतना ही अंतर है। सांख्य क्या है? अंतरंग साधन है, कर्मयोग बहिरंग साधन है। काल तो अपि अल्पत्व अनल्पत्वाभ्यांच, और काल तो भी देख लो, सांख्य मार्ग अल्प काल में देगा और कर्म मार्ग अधिक समय लगेगा। अनल्पत्वाभ्यांच साध्य साधन भावेनापि, उभयो तरतम भावे साध्य साधन भाव में भी उन दोनों में तरतम भाव रहता है। उत्कृष्ट साधन कौन है? संन्यास है, उससे निकृष्ट है कर्मयोग, उसे भी तारतम्य है। ऐसा के होने के बावजूद विद्यमान अपि गजाश्व रिव तयो समत् प्रतिपादनम अनधिकारिण कर्मैव कर्तव्यम न तो संन्यास इति सूचनार्थम, गज और अश्व के समान अत्यंत भेद कथन करता हुआ उन दोनों में भी समत फल प्रतिपादन करने का तात्पर्य ही है अनधिकारी को कर्म में प्रवृत्त कराना। अनधिकारिण कर्मैव कर्तव्यम न तो संन्यास, यह बोध कराने के लिए यहाँ संन्यास की निंदा करते हुए कर्म का प्रशंसा किया गया है। टिप्पण, सांख्य से तात्पर्य कर्म संन्यास लिया गया और योग से कर्मयोग। पाठशाला में था कक्षा वेदेपी शिक्षैक, ऐकार मात्र नहीं है, शिक्षैक लक्ष्य, जैसे कक्षा सबकी अलग अलग है, कोई दसवीं पढ़ रहा है, कोई आठवीं में, कोई छठी में, कोई किसमें पढ़ रहा है, और एक ही कक्षा में भी आजकल क्या करते हैं, ख ख ग भेद कर देते हैं, सेक्शन ए ए बी सी भी बोल देते हैं, कहीं ख ख ग बोलते हैं, तो ये है तो एक ही कक्षा वाले, लेकिन क ख ग से भेद कर दिया, उसके बावजूद सबका लक्ष्य क्या है? एक ही शिक्षा पाना है, एक ही चीज़ पढ़ाया जाएगा ना। जो क वर्ग वाला है, जो ख वर्ग वाले में अलग अलग पढ़ाएंगे क्या? दोनों आठवीं कक्षा के हैं, एक ही रहेगा। भाई संख्या ज़्यादा हो गए, बच्चे एक हॉल में नहीं बैठ सकते, इसलिए उनको क ख ग करके तीन भाग कर दिया, यहाँ 30 बैठो, उधर 30 बैठो, उधर 30 बैठो, आठवीं के ही सब है। तो कक्षा भिन्न भी हो, आठवीं नौवीं दसवीं भी हो, तो भी क्या सबका लक्ष्य एक ही है, शिक्षा पाना। तद्वत यहाँ पर भी साधन भेद हो सकता है, यानी अलग अलग व्यवस्था है, सारे संन्यास मार्ग है, कर्म मार्ग है,
लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है। तथा अध्यात्म मार्गे अपि गंतुर्भेदेपि, गंतुर्भेदेपि रेफरी है, साधन भेदे पिछा, गमन कर्ता का भेद है, साधन में भी भेद है, फिर भी मोक्ष ही का लक्ष्य भवती, एक मोक्ष ही दोनों का लक्ष्य होता है। संज्ञा भेदस्तो औपाधि की, संज्ञा भेद जो है केवल उपाधि को लेकर के है, और उपाधि में क्या है, मार्ग संज्ञा भेदवत, जैसे लोक में मार्गों की संज्ञा भेद होता है, सबको पहुंचना वही है लेकिन एक ही है, मार्ग अलग अलग नाम रख दिया है कि नहीं, इसका नाम गली का नाम अलग रख दो, उधर नाम अलग है, बद्रीनाथ मार्ग बोल दिया उसको, यहाँ भी टांगे नहीं बोर्ड लगा रखे, अभी नाम लिखना बाकी है, गली का नाम देंगे, कोई उधर से भी जाएगा जानकी पुल जाएगा, इधर से भी जाएगा जानकी पुल ही जाएगा ना, मार्ग भले भिन्न भिन्न है, इस गली से जाएगा तो भी वहीं पहुँचेगा, नाम अलग अलग है, बोर्ड अलग अलग टांग दिया, मार्ग भेद भले ही है किंतु उनके मार्ग की संज्ञा भेद भी हो जाए तो भी जो है लक्ष्य एक होता है। तद्वत समझो, यद्यपि उक्तम श्रुतौ, यद्यपि श्रुति में तो कहा गया कर्मणा पितृलोक विद्या उन्हें उपासनाया देवलोक इत्यादि, तथापि तच्च अज्ञानी नाम प्रत्येव, वो तो अज्ञानी दीर्घ हो गया, अज्ञानी रस होना चाहिए, तथा अज्ञानी नाम प्रत्येव, अज्ञानियों के प्रति होता है, न तो निष्काम न कुर्वंत मोक्षो नाम भवती, निष्काम भाव से करने वाले मोक्षों के लिए सब फल मिलता नहीं है, उसके एक ही फल है अंतर्मन शुद्धि पूर्वक ज्ञान प्राप्ति से मोक्ष होना, इतना ही नहीं। यह अर्थ आपने कैसे ले लिया, कथम, क्योंकि भाष्य का मैंने श्लोक में क्या था, सम्यक शब्द है, सम्यक कर्त क्या होता है, समम अंचति गच्छति इति सम्यक, सम को समासमी, कल ही आया था सूत्र सिद्धांत कौमुदी में, सम को क्या आता है, समी आदेश होता है, अंचु धातु है, गत्यर्थ कोने से नकार लोप हो गया, अंचु क्या बचेगा, अच्छ, सम और अच्छ, समी आदेश हो गया, यण कर दो सम्यक हो गया, नपुंसकलिंग में, नहीं तो सर्वनाम से नुम होगा, सम्यंग बनेगा, पुल्लिंग में क्या होता है, सम्यंग सम्यंचौ सम्यंच, और स्त्रीलिंग में सम्यक और समीची अकार विलोप हो जाएगा, समीची सम्यंची सर्वनामस्थान होता है जशस, सम्यक समीची सम्यंची ये बनता है, तो वही सम्यक नपुंसकलिंग सम्यक के फलम है ना, फलम के साथ जोड़ेगा, सम्यक फलम उभयो हो, फलम नपुंसक लेंगे सम्यक नपुंसक प्रयोग हो गया, और सम्यक में सम का अर्थ क्या है, वैदिक अर्थ क्या किया है, सम्मित्येकी भावे, वैदिक कोश जो निघंटु है उसके पुरुषटक में लिखा है 1:3:15 में, कोशानुसारेण सम अर्थात एकी भावेन, आत्मा अनन्यत्व भावेन, एकी भाव का मतलब क्या, आत्मा अनन्यत्व भावेन, आत्मा के अनन्य भाव का नाम या एकी भाव है, उसको सम उपसर्ग खुद ही बता दिया, एकत्वेन गच्छति प्राप्नोति इति सम्यक स्वरूपम अनया इति संख्या, तार स्वरूप को प्राप्त किया जाता है जिससे, उसका नाम संख्या, यहां भी सम उपसर्ग है, सम्यक में संख्या में भी सम उपसर्ग है, दोनों एक ही अर्थ ले लो, सम्यक ख्यायन्ते प्रकाशन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति संख्या, सम्यक गच्छति इति सम्यक, साधन के लिए कह दिया जिसके द्वारा हम सम्यक तत्व को एक ही भाव को जान पाते उसका नाम संज्ञा, और से जानने से जो मिलता है उसका नाम सम्यक फलम, एकत्व तत्व फल मिलेगा, ये इनका वर्णन करना है, एक ही भाव है ना, आत्म अनित्य भाव ने ख्यात प्रकाश इति संज्ञा, स्वरूप अनया इति संज्ञा, तथा साधन भूतो या वह उसका साधन भूता जो संन्यास है उसका भी नाम सांख्य कह दिया, यह सांख्य संन्यास सच एक ही भाव है ना न्यसनम, इसलिए उसका भी नाम कैसे संन्यास हो गया, सांख्य को संन्यास भी क्या है सम उपसर्ग है, वहां भी सम है, सम गर्त वही लो एक ही भाव है ना समच समने समच एक ही भाव है ना न्यसनम त्याग इति संन्यास, इसी को कहा ईश्वासी उत्तरार्ध प्रथम मंत्र उत्तरार्ध में
क्या कहा? तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृध कस सिद्धन। एतार्ष त्याग के द्वारा ही ग्रहण कर सकता है, इतने ग्रहण कर सकता है। सम्यक माने एक ही भाव की प्राप्ति अनुभूति के लिए जो त्याग करना, उसका नाम संन्यास है। एक ही भाव नेशनम त्याग स्वस्मिन् स्वभिन्नस्य सर्वस्य प्रविलापन, माने स्वभिन्न सारी चीज को अपने में विलय कर देना। इति व्युत्पत्त्या सिद्धम मुख्य संन्यासार्थे, मुख्य संन्यास यही अर्थ है, एक ही भाव के लिए सर्वस्व त्याग कर देना। यद्यपि अर्थ है यद्यपि से, ये मुख्य अर्थ है, यानी यहाँ मुख्य अर्थ इष्ट नहीं है। यह प्रकरण कर्म का है, कर्म की प्रशंसा का है, इसे मुख्य संन्यास या मुख्य जो है फल मोक्ष सीधे नहीं ले सकते। इसे यद्यपि से शुरू किया, यद्यपि ये मुख्य अर्थ था, तथापि अत्र कर्म संन्यासात्मक गौण संन्यास, या कर्म संन्यासात्मक गौण संन्यास से सांख्य शब्द प्रयुक्त सब अविद्या मृत्यु तीर्थवा विद्या मृत्युमश्रुते इत्यादि ईशावास प्रश्न में जैसे किया वैसे यहाँ पर भी ग्रहण करना चाहिए। एकस्यापि सम्यक अनुष्ठान कथम उभयो फलमिंदते, इस एक का भी सम्यक प्रकार से अनुष्ठान कर देने से दोनों का फल आपको कैसे मिल जाएगा? इत्युच्यते यदुक्तम, संक्रांति अवतरण का दे रहे हैं, यदुक्तम सांख्य और एक फलत्वम पुनः तदेव विस्पष्टयन तदेकत्व दर्शनम स्तौति। सांख्य और योग दोनों का फल एक है, इस बात को सिद्ध करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए उस एकत्व दर्शी का स्तुति कर दो। अब योगी का स्तुति कर देंगे, वह योगी का स्तुति करेंगे तो व्यक्ति कहेगा जो कर्मयोग करके भी इस तरह से पहुंच गया, फिर हम क्यों ना करें। व्यक्ति के अंदर प्रेरणा मिलती है, वह भी उस मार्ग में चल पड़ेगा। ये तदर्थ उस योगी का भी स्तुति करने आरंभ करते हैं। यत सांख्य ही प्राप्यते स्थानम, तद्योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगं च, यः पश्यति स पश्यति, यत सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यं च योगं च, यः पश्यति स पश्यति। पहले यदि भी कह चुके सनित्य सन्यासी, पहले भी प्रशंसा में कह चुके हैं वह वास्तव में नित्य सन्यासी है, भले वो गृही हो, व्याख्या में कह दिया तो भाष्यकार ने यहाँ पर लार लौट के यह सांख्य प्राप्त स्थानम, मैंने ज्ञान निष्ठा वाले सन्यासियों के द्वारा जो मोक्ष नाम का फल प्राप्त किया जाता है, तदेव योगैरपि गम्यते, वही फल मोक्ष का इच्छा से जो कर्म करने वाले हैं उनको भी वही फल प्राप्त होता है। अतएव जो ज्ञान मार्गी हो चाहे कर्म मार्गी हो, दोनों ही सांख्यम च योगं च एकम एव, ऐसे यह पश्यति स पश्यति, ऐसे जो सम्यक दर्शी होगा वही वास्तव में तत्व का अनुभव भी कर पाता है। स पश्यति भाष्य यद सांख्येर मन ज्ञान निष्ठई संन्यास भी प्राप्यते स्थानम, स्थान मन फलम मोक्षाख्यम, मोक्ष नाम का जो फल है, तद योगैरपि वही फल योगैर मन ज्ञान प्राप्ति उपायत्वेन ईश्वरे समर्प्य कर्माणि आत्मना फलम अनभिसंधाय अनुतिष्ठन्ति ये ते, उन्हीं को हम योगी मानेंगे जो ज्ञान प्राप्ति को उपाय करके पहले से दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, मैं जो कर्म कर रहा हूँ मैं कर्म किसी फल पाने के लिए नहीं कर रहा, अंतर्गण शुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा हूँ, ऐसे पहले से विचार करके कर रहा है कि ज्ञान प्राप्ति उपायत्वेन, अतएव ईश्वरे समर्प्य अपने सकल कर्मों को ईश्वर में समर्पण करता है, समर्प्य कर्माणि आत्मन फलम अनभिसंधाय, अपने लिए कोई फल का संकल्प न करते हुए जो कर्माणि अनुतिष्ठन्ति ये, जो कर्म का अनुष्ठान करते हैं ते योगिना, वे वास्तव में योगी है।
तैरपि परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारेण, परमार्थ ज्ञान और संन्यास प्राप्ति द्वारा क्रमेण वे भी मोक्ष को प्राप्त करते गम्यते इत्यभिप्रायो। अतः इसी कारण से एकम सांख्यम योगंच, चाहे सांख्य हो योगी हो मैंने सन्यासी हो चाहे कर्म योगी हो, दोनों को यहाँ सांख्यम योगम बस व्यक्ति के लिए कह रहे, व्यक्ति के लिए कहेंगे टीकाकार अर्षादिभ्य अच्छ मथुर्त्य अच्छ प्रत्यय हुआ यहाँ पर। सांख्य वाला ज्ञान वाला योग मैंने कर्म वाला योगी, यह अर्थ लेना है। ज्ञानी और योगी उनको दोनों को बराबर देखता है, क्यों? दोनों फल एकत्वा, दोनों को एक फल मिलने वाला है, अतएव उन दोनों को जो एक रूपे नहीं देखता है, भेद बुद्धि नहीं करता, वही वास्तव में सम्यक और कारण लोक व्यवहार को अनुभव करता है। पश्यसि इत्यर्थ। सांख्य मने परम ब्रह्म तद आत्मत्व ने ये विदु ते सांख्या। सांख्य मने पर ब्रह्म पूर्व में अर्थ कथे किए थे पुरुष श्लोक में, उसको तद आत्मत्व ने उसको स्व आत्म रूपेण जो जानते हैं और अनुभव करते हैं उनको क्या जाता है? ते सांख्या, उन लोगों को भी सांख्या कहा जाएगा। तई सांख्यर मने ब्रह्म निष्ठैर्यति भी ब्रह्मशेतियों के द्वारा यत् स्थानम सद्येक रूपेण तिष्ठति, जो स्थान है मैंने सद एकमेव द्वितीय रूपेण स्थित रहना, न क्वचित किंचित भी विक्रोति, मैंने कभी भी किसी कारण से भी किसी भी दृष्टिकोण से विकार को प्राप्त नहीं करते, अतएव उसका नाम उस मोक्ष को भी यहाँ स्थानम कह दिया स्वरूपम इत्यर्थ। स्वरूप भी कैसा है? केवल भावात्मकम प्राप्त, केवल भावात्म अस्मि अहम अस्मि अस्तित्व उपलब्धव्य इति को लेकर के चलता है। स्वात्मना अवगम्यते, वह अपने अंतकरण से एतार्ष अनुभूति से संपन्न होता है। योग ही फलाभिसंधि वर्जितम, और योग का मतलब क्या? फलाभिसंधि से रहित ईश्वर प्रीति क्रियमाणम वैदिक कर्म, ईश्वर प्रीति के लिए किए जाने जो वैदिक कर्म है मोक्षोपायत्वाद योगित्वचते, मोक्ष का उपाय होने से उस कर्म को भी योग शब्द से कह दिया। स योगो एषामस्ति तादर्श योग तार्श कर्म, जिनके द्वारा किया जा रहा है उन सभी को भी क्या कहेंगे? योगाः। मतुपर्ते अच प्रत्ययो अत्र द्रष्टव्या, मतुपर्त में अर्षादिभ्यो अच, एक सूत्र अर्षसादिभ्यो अच, उससे अच प्रत्यय हुआ है यहाँ। तैर योगी कर्मनिष्ठैरपि तदेव स्थानम मोक्षाख्यं गम्यते, इसे तार्ज कर्मनिष्ठ कर्म योगियों के द्वारा वही स्थान जो मोक्ष नाम का है, जो संन्यास लेकर ब्रह्मवेत्ता लोगों के द्वारा प्राप्त किया जाता है वही स्थान ही भी प्राप्त करता है। गम्यते मने प्राप्यते, निरंतरम श्रद्धा समनुष्ठीयमान कर्म संभावित चित्त शुद्धि जन्य ज्ञान तद योग प्राप्तिया तैरपि स्वात्मत्वेन अवगंतुम शक्यते इत्यर्थ। निरंतर श्रद्धापूर्वक सम्यक प्रकार से अपने अधिकार के मुताबिक वर्णाश्रम के मुताबिक जो कर्म का अनुष्ठान करते रहता है, समनुष्ठीय मान कर्मो संभावित चित्त शुद्ध जन्य, उससे संभावित क्या होता है? चित्त शुद्धि, उसे जन्य क्या होगा? ज्ञान प्राप्त होगा, उससे उसके द्वारा क्या होगा? संन्यास योग होगा, तत्प्राप्ति द्वारा ततः उनको भी क्या होगा? मोक्ष हो जाएगा। स्वात्मत्वेन अवगन्तुं शक्यते, स्वात्म रूपेण जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का अनुभव कर सकता है। येष पंथा एतत् कर्म एतत् ब्रह्म इति श्रवणात्, यही मार्ग है, यही कर्म है और इससे यह ब्रह्म है। एक कर दिया तीनों को, साधन साध्य अभेद करता हुआ लक्ष्य में पहुंचा दिया। इति श्रवणात् यथा सांख्य योग यह फलेकत्व प्रमाण सिद्धम, जिसने सांख्य और योग दोनों फलेक होने के ना फलेकत्व प्रमाण सिद्ध हुआ, तथा इसी कारण से सांख्यम ज्ञान योगम योगम कर्मयोगम च एकम यह पश्यति, इन दोनों को एकत्व जो देखता है द्वयोरपि एकस्यैव मोक्षस्य फलत्वात्, दोनों के एक मोक्ष फल होने के कारण से मोक्ष साधन यह त्वयोरपि एकत्व, मोक्ष का साधन होने से साधन में एकत्व दृष्टि कर दिया।
एक अर्थगत्व एक प्रयोजन वाला होने से यह पश्यति स पश्यति सैव सम्यक दर्शी न तो अन्य वही सम्यक दर्शी है दूसरा नहीं। अरे तो कर्मकांडी तो बेकार है ऐसे कहने वाला सम्यक दर्शी नहीं, अरे कर्मकांडी है तो बहुत अच्छा है ये भी मोक्ष मार्ग में लगा है, किसी के प्रति भी घृणा नहीं करेगा। अरे आप ब्रह्मज्ञानी हैं, आप सन्यासी हैं, श्रेष्ठ हैं, तो ये नहीं कि आप दूसरों की जो है निकृष्ट बुद्धि करें, वो ब्रह्मज्ञान नहीं है, सर्वम ब्रह्म कह रहे गए। फिर ब्रह्मज्ञानी जी सर्वम ब्रह्म कह रहा है तो किसके प्रति कैसे दृष्टि करेगा, इसलिए वो सभी को बराबर दृष्टि से देखता है, वो कभी भेद बुद्धि नहीं करेगा, सम्यक दर्शी उसी को कहते हैं। एवमेव कर्मनिष्ठ व्यक्ति जो कर्मयोगी है वो भी सन्यास से रहे हैं तो मुर्दा है, पहले जमाने में से था अयोध्या वगैरह में वृंदावन में जाओ सन्यासी जाएगा ये मुर्दा कहाँ से आ गया, इसको घुसाओ मत, बार 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 कर देते थे, मंदिर में घुस नहीं देते थे, पंगत में तो सवाल ही नहीं है, उनको बाहर जो भीख मंगों के साथ बिठा देते थे सन्यासी को, वहाँ बैठो वहीं तुमको दे देंगे दो रोटी, ये हालत थी एक समय में। भेद बुद्धि क्षुद्र बुद्धि वाले लोग हमें जो तिलक सीधे लगा दिए और माला जप ले तो हमें महान भक्त है भगवान के, अरे ज्ञान मार्ग में चल रहा है सन्यासी है, हम ब्रह्मास्म चिंतन तुमसे बहुत आगे है, वो ये बात तो समझते नहीं थे, अब धीरे धीरे समझने लगे हैं और कह के नहीं कोई बात, अब साथ तो बिठाते हैं पंगत में खाओ सब होता है सम्मान देते हैं। इसलिए मार्ग अध्यात्म मार्ग में भेद बुद्धि किसी प्रकार की किसी भी स्तर में भी रहेगा वह आगे बढ़ नहीं सकता है, पीछे ही हटेगा, इसे एकत्व बुद्धि होना जरूरी है। टिप्पणी, यदि भी सांख्य न साक्षात लभ्यो मोक्ष, ये सांख्य मार्ग के द्वारा साक्षात मोक्ष लभ्य होता है, साक्षात साधन है, योग न तो परंपरा, योग मार्ग तो परंपरा से होता है, तथापि फलैकत्वात् एकम सांख्यंच योगंच इत्युक्तम, फल क्यों नहीं गिनाते, पूर्व में कहा था एकम सांख्यंच योगंच, यहाँ भी कह दिया एकम सांख्यम योगंच इत्युक्तम, येषां संन्यास पूर्विका ज्ञान निष्ठा यह जन्म निदृश्यते, जिनके अंदर संन्यास पर ज्ञान निष्ठा इस जन्म में देख रहे हो ये मत समझना उन्होंने कभी कर्म नहीं किया है, अनुमान कर लो पूर्व जन्म ने वैदिक कर्म किया है तभी इस समय उनके ज्ञान निष्ठा प्राप्त हो रही है। तो यह जन्म ने जिनमें ज्ञान निष्ठा दिखाई दे रहा है दृश्यत देशा प्राग जन्म सुख कर्म निष्ठान थे, उन जो दिखा तो पूर्व जन्मों में उनकी कर्म निष्ठा का अनुमान किया जाता है, क्योंकि स्मृतिकार ने कहा है यानी अतो अन्यानी जन्मानी तेषु नूनं कृतं भवेत् यत् कृतं पुरुषेण यः नान्यता ब्रह्मणी स्थितिः, यानी अतो अन्यानि जन्मानि, इसके जो अन्य पूर्व में बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं तेषु नूनं कर्म कृतं भवेत्, वो निश्चित रूपेण से उन पूर्व जन्मों में कर्मकांड किया है, यद कृतं पुरुषेण यः, जिसके कारण से पुरुष की तरह ब्रह्मणि में स्थिति हुई है, नान्यथा न किया होता इसे ब्रह्म स्थिति प्राप्त नहीं हो सकता था, अतएव येषां यः जन्मनि कर्मनिष्ठा दृश्यते, इधर विपरीत ये भी ले लो जिनके इस जन्म में कर्म निष्ठा दिख रहा है तो समझना चाहिए कहीं दृश्यते तेषां तथैव लिंगेन भाविनी संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा नियते, उनमें भी यह मन मान कर लेंगे इस जन्म में नित्य नियमित रूपेण सकल कर्मों का अनुष्ठान कर रहा है वह हमारे लिए हेतु बन जाता है, चिन्ह होता है, पहचान होता है, लिंग है जिसे हम कह सकते हैं अगले जन्म निश्चित रूपेण यह संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा प्राप्त करेगा कहा जा सकता है। भाविनी संन्यास पूर्व ज्ञान निष्ठा अनुमत है, तस्मात अज्ञन पुरुषेण यह जिज्ञासुना वा अंतःकरण शुद्धये कर्मयोग अनुष्ठेय न तो संन्यास, इसलिए यदि अज्ञ पुरुष हैं आप निश्चित रूपेण अथवा आप जिज्ञासु हैं अभी मुमुक्षु हैं आप भी तो अंतःकरण शुद्धि के लिए अवश्य कर्मयोग का अनुष्ठान करना चाहिए, सीधे संन्यास में भागना नहीं चाहिए। सत्व विवेकयुक्त तीव्र परवैराग्य सती स्वयमेव भविष्यति ध्येयम्,
और संन्यास तो जिस दिन आपका विवेक जग जाएगा, तीव्र वैराग्य हो जाएगा, वह स्वयं ही हो जाएगा। आपको करने की जरूरत नहीं, जबरदस्ती जाकर संन्यास दीक्षा लेने की जरूरत नहीं, वह संन्यास स्वतः ही हो जाती है, उसके लिए अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है।